तो हेलो गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा जनरल स्टॉक मार्केट अड्डा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, एक डूबता हुआ कंपनी है, कंपनी में क्या अभी बाय करना सही रहेगा? कंपनी में डूबता हुआ क्यों बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो 98% कंपनी गिर चुका है। कंपनी 500-600 रुपये में मिल रहा था, लेकिन अभी देखिए 2-3 रुपये में मिल रहा है, इसलिए डूबता हुआ बोल रहा हूँ। अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे, अगर थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा पैसा लगाएंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे। कंपनी लिस्टिंग हुआ था 157 करके 2016 में, 157 से कंपनी यहाँ पर 586 तक हाई लगाया था। इस बीच कंपनी 256% की अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन इस बीच कंपनी 99% गिर चुका है। अगर मैं आपको कंपनी का डिटेल्स दिखाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, हम लोग को ईयर वाइज देखना है। 2021 से कंपनी रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेरेशन नहीं कर रहा है। रेवेन्यू में डाउन है, नेटवर्थ में डाउन है, प्रॉफिट देखोगे प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट में भी भयंकर डाउन है। तो कंपनी यहाँ पर पूरा खराब हो चुका है। अगर आप आओगे 100 रुपये, उससे ज्यादा आपको नहीं डालना है। अगर कंपनी का मैं दिखाऊंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो रिटेल इन्वेस्टर 82%, प्रोमोटर 14%, फॉरेन इन्वेस्टर 2.60, डोमेस्टिक वाले 0.97, म्यूचुअल फंड 0.04 रखे हैं, जो कि अच्छा बात है। लेकिन आप 100 रुपये डालना, ज्यादा नहीं डालना। उसके अलावा BSE NSE दोनों में कंपनी लिस्टिंग है, 156 करोड़ का स्लिप मार्केट कैप है, पी नेगेटिव है, बुक वैल्यू माइनस है, डिविडेंड कंपनी नहीं देता है, हाई लो देख सकते हो, ROCE नेगेटिव, फेस वैल्यू 2 का है, कर्जा 13,000 करोड़ का पड़ा है कंपनी के ऊपर, लेकिन रिजर्व नहीं है, एसेट थोड़ा रखा है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, फ्री कैश नहीं रखा है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव, नेटवर्क नेगेटिव, डिविडेंड नहीं देता है, डेट टू इक्विटी यहाँ पर दोस्तों शो नहीं हो रहा है, यानी कंपनी फंडामेंटली पूरा बिगड़ चुका है, खराब हो चुका है। रिटेल ट्रेडिंग बिजनेस कंपनी करता है और 8 नंबर पर आता है फ्यूचर रिटर्न। अगर आप लोग कंपनी का सेल ग्रोथ देखोगे माइनस है, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस, एजर माइनस, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस, एसेट में दोस्तों डाउन है, नेट कैश फ्लो माइनस है। तो हाई रिस्क वाला कंपनी है, 100 या 50 रुपये डालना, ठीक है, 100 या 50 रुपये डालना, उससे ज़्यादा नहीं डालना, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना। अगर जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो आपका छोटा अमाउंट ही जाएगा। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आए दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।